से करंट लगने से एक युवक की मौत। मौत के बाद उससे ग्रामीणों ने सड़क पर सो रखा। आगे बैठिए, आगे तो बैठो, चालू करो, सो जाने बैठो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, ने आबंती बाई चौक पर सड़क पर सौ को रखकर फतेहाबाद आगरा मार्ग पर जाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बाद में एसडीएम तथा सीओ भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा मुआवजा का आश्वासन देकर जाम खुलवाया तथा सौ को पीए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के ग्राम मिठपुरा निवासी योगेश 24 वर्षीय पुत्र माता प्रसाद आगरा जाने के लिए बस स्टैंड फतेहाबाद आया था तथा बस स्टैंड के सामने एक विद्युत खंभे के पास रखी बेंच पर बैठ गया था। विद्युत खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। आसपास के ग्रामीणों ने जब उसे देखा तो तत्काल उसे निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आगरा से लौटकर ग्रामीणों ने अब चौक सड़क पर सौ को रखकर आगरा फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर वीआर दीक्षित फतेहाबाद थाने के साथ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाया, परंतु वे किसी की मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते ग्रामीणों की संख्या बढ़ती गई। ग्रामीणों ने सड़क पर तारों को बांधकर शमशाबाद आगरा बाह फिरोजाबाद आने वाले वाहनों को रोक दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि घटना के पीछे जिसकी भी लापरवाही है उसे दंडित किया जाए। सूचना पर एसडीएम नलिनी कांत, सीओ संजय कुमार भारी फोर्स के साथ पहुंचे। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि राजकुमार, राजेश कुशवाहा, सुशीला शर्मा, अरविंद वर्मा, शिव शंकर वर्मा सहित अनेक भाजपा के नेता मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक ने शहर से बाहर होने के कारण फोन पर पीड़िता परिवार से बात की। बाद में अधिकारियों द्वारा विद्युत विभाग से 5 लाख रुपए तथा किसान दुर्घटना बीमा से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने जाने की बात पर ग्रामीण माने तथा जाम खुलवाया गया तथा सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फतेहाबाद बस स्टेशन पे पोल में बिजली उतरने से मिठपुरा का एक लड़का था योगेश, और लोगों ने जाम लगा दिया था। बिजली विभाग से या हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि उसकी दुर्घटना के लिए बस स्टेशन पर। सर कितने घंटे का काम लगा था? आगरा के लिए जा रहा था, वहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ा था, कैच कैच काम लगाए तो अधिकारियों को आश्वासन दिया क्या? काम लगाया था, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे को 5 लाख रुपए का चेक दिलवा दें। कितने बच्चे उनके पास? एक लड़का है। कितने समय तक जाम लगा रहा? 3 घंटा जाम लगा। अरे बंदे के ठेकेदारी में काम करता था जी। अरे क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई आपकी? गाँव से आया था जाने के लिए, तैयार कर रहा था। हाँ, बगल में खड़ा था, वहाँ एक स्टेक थी, थोड़ा करंट आ रहा था, वो पकड़ लिया वहाँ, पता चला लोगों ने उसको हटाया था। विद्युत विभाग ने उस स्टेक को तुरंत हाथों हाथ हटवा लिया वहाँ से। ये पता नहीं लगा कि नीचे कर लो मैं, जबकि सब लापरवाही। आपने जाम लगाया है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दे दिया? कोई आया नहीं, इसलिए लोगों ने कहा कोई सुनाई नहीं हुई है, ना कोई ऑडियो विभाग आया, ना विद्युत विभाग आया, ना प्रशासन कोई आया। जब लोगों ने पुलिस विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि 8 दिन के अंदर 5 लाख रुपए दिलवा देंगे आपको। कोई कैसे ठेकेदारी का काम करते थे? कोई ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपने आगरा जा रहा था। एक बच्चा है। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।